नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से काफी तरह के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। इन ब्रिजेस को बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि वो ब्रिज कितने सालों तक अपने ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन करवा पाएगी, और इसी वजह से ब्रिजेस का डिज़ाइन अलग अलग होता है। और ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइंस हैं आर्क ब्रिज, थ्रो आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, वाइडक्ट ब्रिज, कैंटिलीवर ब्रिज, ट्रस ब्रिज एक्सेट्रा। लेकिन इन सभी में से केबल स्टेट ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज एक अनोखा डिज़ाइन है, और कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जहां बाकी ब्रिजेस का बनाना पॉसिबल नहीं होता, वहां केबल स्टेट ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज एक अच्छा ऑप्शन बनके खड़ा होता है। वैसे तो ये दोनों ही टाइप के ब्रिज देखने में काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इनमें कुछ अहम डिफरेंसेस भी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि केबल स्टेट ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज एक दूसरे से अलग कैसे है। तो अगर केबल स्टेट ब्रिज की बात करें तो वहाँ कम से कम एक टावर ज़रूर होता है जहाँ से केबल्स पूरे ब्रिज को सपोर्ट करते हैं। वही बड़े बड़े ब्रिजेस में 2-3 या फिर उससे ज़्यादा भी टावर्स बनाए जाते हैं। अब इन केबल्स को एक ट्रायंगुलर शेप के हिसाब से टावर से ब्रिज तक जोड़ा जाता है। वही सस्पेंशन ब्रिजेस में 2 टावर्स के जरिए मेन केबल को कनेक्ट किया जाता है, और उसी मेन केबल से वर्टिकली नीचे सपोर्टिंग केबल्स के जरिए ब्रिज को जोड़ा जाता है। तो सस्पेंशन ब्रिजेस में इसके मेन केबल में सबसे ज़्यादा लोड एग्जर्ट होता है, और इसी वजह से इसके मेन केबल्स को ब्रिज के दोनों तरफ ज़मीन से बांध दिया जाता है। लेकिन अगर उस नदी के किनारे ज़मीन इतनी मजबूत नहीं हो तो वहाँ सस्पेंशन ब्रिज बनाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ केबल स्टेट ब्रिज में इसके टावर्स पे सबसे ज़्यादा लोड एग्जर्ट होता है। तो जिस ज़मीन के ऊपर इस ब्रिज का टावर बनाया जाता है, उस ज़मीन का मजबूत होना ब्रिज के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी ब्रिज में एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच के डिस्टेंस को स्पैन कहा जाता है, और यूजुअली सस्पेंशन ब्रिज में हम ज़्यादा लंबा स्पैन बना सकते हैं। और उन जगहों पे जहाँ ज़्यादा टावर्स बनाना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ हम यूजुअली सस्पेंशन ब्रिज का ही यूज़ करते हैं। केबल स्टेट ब्रिज में ज़्यादा लंबा स्पैन बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ एक हर स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद हमें टावर्स लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, केबल स्टेट ब्रिज 16th सेंचुरी में ही बनाया गया था, और 19th सेंचुरी के बाद से इसकी संख्या बढ़ती चली गई। दुनिया का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है रशिया में मौजूद रस्की ब्रिज। दोस्तों, 20th सेंचुरी के बाद से सस्पेंशन ब्रिजेस ज़्यादा यूज़ में आने लगा, क्योंकि इसको बनाने में मटीरियल बाकी ब्रिजेस के कंपेरिजन में कम लगता है, इसीलिए इसको बनाने का खर्चा भी कम होता है। दूसरी बात, सस्पेंशन ब्रिजेस में हमें बाकी ब्रिज के तुलना में लंबा स्पैन मिलता है, और सस्पेंशन ब्रिजेस ज़्यादा रिजिड ना होने की वजह से ये भूकंप को भी अच्छे से सह सकता है। और टर्की में मौजूद 1915 कैनेकल ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि पूरे यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है। दोस्तों, बनाने का खर्चा कम है, इसका मतलब ये नहीं कि सस्पेंशन ब्रिज ही हर जगह ज़रूरी हो। कई जगहों पे केबल स्टेट ब्रिज ही सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। एक बड़ा सा अगर तूफान या फिर बाढ़ आए तो सस्पेंशन ब्रिज के टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है, लेकिन केबल स्टेट ब्रिज अपने रिजिडिटी और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के वजह से तूफानों को आसानी से सह सकता है। इसीलिए कई जगहों पर कभी कभी केबल स्टेट ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज का एक कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, और न्यूयॉर्क में मौजूद ब्रुकलिन ब्रिज इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सारे सस्पेंशन और केबल स्टेट ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कुछ खूबसूरत इंडियन केबल स्टेट ब्रिज के एग्जाम्पल्स हैं वेस्ट बंगाल का विद्यासागर सेतु, महाराष्ट्र का वांड्रा वर्ली सी लिंक, गोवा में मौजूद अटल सेतु, राजस्थान का कोटा चंबल ब्रिज, उत्तर प्रदेश का न्यू यमुना ब्रिज, दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज एक्सेट्रा। और वही उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना राम झूला और लक्ष्मण झूला खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिजेस है।
दोस्तों, काफी बार हमें पुराने केबल स्टे या फिर सस्पेंशन ब्रिजेस के टूटने का न्यूज मिलता रहता है। तो ऐसे ब्रिजेस जो पुराने हो चुके हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस समय समय पर करते रहने चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस ब्रिज में ट्रैफिक को कम करने के लिए एक नया ब्रिज एक नई टेक्नोलॉजी से बनाने का प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे दोस्तों एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।